आज के वीडियो में हम एक और बहुत ही प्यारे हाउस प्लांट के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है पिंक सिंगोनियम। इसे एरोहेड प्लांट के नाम से भी जानते हैं। पिंक सिंगोनियम इंडोर प्लांट है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से एक लाइक दे दीजिए। आपके एक लाइक से चैनल और भी लोगों को दिखाया जाता है और वीडियो आगे बढ़ता है। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं और कौन कौन से टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पिंक सिंगोनियम की पिंक पिंक पत्तियाँ बेहद ही खूबसूरत दिखती है। इसका नाम एरोहेड इसलिए भी है क्योंकि इसका शेप बिल्कुल एरो की तरह दिखता है। पहले इसका शेप हार्ट शेप का होता है और उसके बाद ये एरोहेड की तरह बदल जाता है। सिंगोनियम में कई प्रकार की वैरायटीज आती है। इनके पत्तियों के शेप और साइज और कलर आते हैं। इनमें से एक पिंक सिंगोनियम भी है जिसकी पत्तियाँ गुलाबी होती हैं। इन्हें हम पॉट्स, कंटेनर्स, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसकी केयर कैसे करें? बात करें इसके सनलाइट की, तो सिंगोनियम को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट की जरूरत होती है। इसे मॉडरेट लाइट चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में रखें तो इसकी पत्तियाँ क्लोरोफिल तैयार करने लगती है और ग्रीन रंग आना शुरू हो जाता है और पिंक पत्तियाँ ग्रीन रंग में बदल जाती है। इसलिए इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। साथ में इसकी पत्तियां जल भी सकती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा गुलाबी रंग आने के लिए ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखें। मतलब हमें लाइट की इंटेंसिटी को मॉडरेट रखना है। तो ये ज्यादा से ज्यादा लाइट खींचने की कोशिश करता है और पिंक होता है। इन्हें ह्यूमिडिटी भी बहुत पसंद है। अगर आप इन्हें 15 से 30 डिग्री के टेम्परेचर में रखें तो ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। पिंक सिंगोनियम की स्पेशलिटी ये है कि ये नासा रिकमेंडेड हवा को शुद्ध करने वाला पौधा है। हम इसे एसी रूम में, ऑफिस के टेबल पर रख सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लो लाइट में चलने वाला इंडोर प्लांट है। इनको इनकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है। इसके लिए हम इसे 4 से 5 इंच के पॉट में आसानी से उगा सकते हैं। बात करें इसकी मिट्टी की, तो मिट्टी हमें वेल ड्रेन्ड और रिच फर्टाइल मिट्टी लेनी है। पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो जड़ें इसकी सड़ सकती हैं। पॉटिंग मिक्स बनाते वक्त आप इसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा रेत का ले सकते हैं। पानी इसमें कम ही देना है। जब ऊपर की 1 से 2 इंच की मिट्टी सूख जाए तभी पानी दे। समर्स में रेगुलर पानी दे और विंटर्स और बरसात में इसे पानी कम दे। हमेशा सुबह या शाम को ही पानी दे। ज्यादा ओवर वाटरिंग न करे। ओवर वाटरिंग से पौधे में दिक्कत हो सकती है। फर्टिलाइजर इसमें आप कोई सा फर्टिलाइजर जैसे कि गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बनी खाद दे सकते हैं। इसमें आप खाद महीने में एक बार दे सकते हैं। वैसे तो इनमें पेस्ट का अटैक नहीं होता है, पर मिली बग का अटैक हो जाए तो नीम ऑयल का स्प्रे करें। इनका प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं? तो इनका प्रोपोगेशन आप स्टेम कटिंग या पौधे को डिविजन से कर सकते हैं। इनकी पत्तियों पर डस्ट बैठता है तो पत्तियों को मिस्टिंग करते रहे ताकि उन पर बैठी डस्ट निकल जाए। वैसे भी इन्हें मिस्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मिस्टिंग यानी आप पानी का हल्का सा स्प्रे कर सकते हैं। सिंगोनियम की ग्रोथ अगर अच्छी चाहिए तो इनमें हर महीने गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। पानी इनको लाइट वाटरिंग ही चाहिए क्योंकि इनमें पत्तियाँ होती है, तो ऐसे पौधों को नाइट्रोजन ही चाहिए जो कि गोबर खाद में ज़्यादा होता है। तो ये थी जानकारी पिंक सिंगोनियम के बारे में, वो गुड लक प्लांट जो कि हवा को शुद्ध करता है। इसे ज़रूर से अपने इंडोर प्लांट में शामिल कीजिए। आशा है आपको जानकारी पसंद आएगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।